हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूलिप टिप्स फॉर यू। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने गार्डनिंग के कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वेस्टेज मटेरियल, जो कि बोतल हमारे घर पे अक्सर यूं ही पड़ी रहती है और हम पानी की, ऑयल की आदि की बोतल इधर उधर फेंकते रहते हैं और पोल्यूशन को फैलाते रहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटे छोटे से प्लांटर्स बनाए और उनमें काफ़ी सुंदर सुंदर से प्लांट्स लगाए हैं और वो प्लांट अच्छे से ग्रो भी हो गए। तो मैं आज आपको उनका ओवरव्यू दिखाऊंगी कि मेरा जो बोतल गार्डन है, जो कि मैंने बच्चों के झूला जो होता है उस पर लगाए हैं और मैं आराम से इधर उधर इसको ले जा सकती हूँ कहीं भी जहाँ पर मुझे ग्रीनरी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से देखिए, ये मेरा फर्स्ट बोतल का जो प्लांटर है, इसमें मैंने लगाया है ये स्पाइडर प्लांट और काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी बोतल है और उसको मैंने हैंग किया हुआ है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। सेकंड मेरा जो बोतल प्लांटर है, इसमें मैंने एस्पेरेगस लगाया है। बिल्कुल इसको थोड़े ही दिन हुए लगाएं, अभी इसने पूरा अच्छे से कवर नहीं किया है। जब ये पूरा भर जाएगा तो काफ़ी अच्छे से ये रेड और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। थर्ड जो मेरा बोतल प्लांटर है येलो कलर का, इसमें मैंने लगाया है पर्पल हार्ट और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। काफ़ी सुंदर सुंदर ब्रांचेज इसमें से निकल गई हैं और नई नई लीव्स इसमें बहुत प्यारी लग रही है। छोटा सा प्लांटर है और काफ़ी अच्छी हाइट का इसमें से ये जो हैंगिंग प्लांट्स है वो मैंने इसमें लगाए हैं। अगेन मैंने इस बोतल को कट करके, बीच में से कट करके लालटेन की शेप दी है और इसमें लगाया एस्पेरेगस जो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है और ये हैंग किया हुआ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट आप जेड देख सकते हैं, इसका तो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था जब मैंने ये कटिंग्स इसमें लगाई थी और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो गई। इसकी लंबी लंबी ब्रांचेज जब लटकती हुई रहेगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा, मेरे पास घर के पास में एक पेड़ है उस पर ये लटका हुआ था, शायद ये भैया का झूला है जिसमें वो झूलती हैं। अब वहाँ कोई नहीं रहता, दो तीन झूले थे पहले, उनमें छोटे छोटे पक्षी बैठते थे, अब नहीं है तो मैं इसको ले आई और यहाँ पे मैंने इसको हैंग कर दिया इनके साथ ताकि ये खूबसूरत सा लगे। अगेन मैंने ये लगाया है इसमें वही पर्पल हार्ट और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लूमिंग, कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है इसका और वो भी एक छोटे से पोट में। दो तीन लंबी लंबी ब्रांचेस देखिए, इधर भी काफ़ी लंबी हो गई इसकी ब्रांच, आप पूरा देख सकते हैं एक छोटे से प्लांटर में किस तरीके से इसने ग्रोथ की है। और नेक्स्ट फिर मैंने एस्पेरेगस लगाया है और ये भी देखिए फुल भर चुका है और काफ़ी सुंदर लग रहा है पर्पल के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन। अगेन इसमें ये मैंने लगाया है इसमें स्पाइडर और एक इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो इस तरीके से ये मेरा बोतल गार्डन तैयार हो गया है। इसको आप मोबाइल बोतल गार्डन भी कह सकते हैं। ये आप इसका लुक देखिए पूरा, ऊपर मैंने इसमें ये पीजन बैठा दिए हैं और बीच में लगा दिया है मैंने ये इसका घोंसला, जो कि नेस्ट होता है भैया का, वो लगा दिया है। और ये बोतल गार्डन में कहीं भी अपने गार्डन में, टेरेस में, या अभी जैसे मैंने कि इसको रूम में रख रखा है, मैं कहीं भी इसको रख देती हूँ। नीचे की साइड में भी मैंने इसमें कुछ प्लांट्स हैंग किए हैं, वो भी बोतल से ही बनाए हैं। ये नीचे देखिए आप, इसमें मॉसरोज लगाई है और बीच में मैंने लगाई है ये कटिंग मनी प्लांट की, जिसमें छोटी छोटी नई नई ब्रांचेज देखिए आप निकलने लग गई है। ये देखिए छोटी छोटी सी ब्रांचेज इसमें से निकल रही हैं। तो बिल्कुल छोटा सा देखिए, ये बोतल का जो टुकड़ा होता है उसमें हम लगा सकते हैं, बस उसको कलर करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कलर भी नहीं है तब भी आप इसमें ये देखिए, मैंने इसको अलग तरीके से इसको कट किया है, बीच बीच में इसमें मैंने होल बनाए हैं चार पांच जगह से, ये आप देख सकते हो। और इनमें मैंने लगा दिए कटिंग्स और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है और अभी तो ये शेडी प्लेस में इसमें फ्लावरिंग कम लग रही है। अगर इसको मैं धूप में हैंग कर देती हूँ कभी कभी तो इसमें से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और बीच में मैंने लगा दी है मनी प्लांट की कटिंग और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है, बिल्कुल शाइनी इसकी लीव्स हैं। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में भी यही चीज़ें लगाई हैं। ये मैंने लगाई है मॉसरोज और बीच में लगा दी है कलांचू की कटिंग, क्योंकि जब मॉसरोज का सीजन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें से कलांचू को ग्रो हो जाएगा और मॉसरोज मैं हटा दूँगी। इसके अलावा ये मैंने एक फाइकस की कटिंग लेकर के आई थी और इसमें देखिए आप नई नई लीव्स निकलने लग गई हैं, ये आप देख सकते हैं। दो कटिंग लाई और दोनों अच्छे से इसमें ग्रो हो गई है। दूसरी कटिंग भी आप देखिए, ये देखिए नई लीव्स इसमें से निकल रही हैं, ये क्लियर, हाँ ये देखिए। इस तरीके से मैंने ये अपना हैंगिंग गार्डन बना लिया है, मोबाइल गार्डन बना लिया है, वो भी बोतल्स, और देखिए कितना प्यारा ये लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं जब इनको कहीं भी अपना मन होता है अपने ग्रीनरी ऐड करने का,
रूम में, बालकनी में, या कहीं भी जहाँ पे ही आप अपने को ये झूला ले जाना हो वहाँ हम ये झूला ले जा सकते हैं और अपने घर को ग्रीन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इन छोटी छोटी बॉटल्स का यूज़ करके ये बॉटल गार्डन बना सकते हैं। वाकई बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आप देखिए इनको। अगर आप भी लगाएंगे तो आप पॉल्यूशन से तो मुक्ति पाएंगे ही, साथ में घर में जो ग्रीनरी है वो भी अच्छे से ऐड हो जाएगी और आपका घर और गार्डन ब्यूटीफुल बनेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।